फेस वॉश के साथ अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अब मैं गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैं सीरम अप्लाई कर रही हूँ, गुड वाइब्स का है ये। इसका मैं 2-3 ड्रॉप लेके अपने फेस पे लगा लूँगी एंड उसके बाद फिर मैं इसको अच्छी तरीके से मसाज करूँगी। वैसे मुझे पर्सनली सीरम लगाना बहुत अच्छा लगता है डियर। जब मैं इसको लगाती हूँ तो मुझे बहुत अंदर से फ्रेश फील होता है। तो आप भी सीरम वगैरह ज़रूर अप्लाई किया करो। फिर मैं गुड वाइब्स का लोटस एंड सेज वाला ये क्रीम है उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा क्रीम है। गुड वाइब्स का वैसे तो सारे ही प्रोडक्ट्स मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, मेरे ऊपर सूट करता है, तभी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर भी करती हूँ, आप लोगों को बताती भी हूँ कि आप इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हो। तो इसको मैं अच्छी तरीके से मसाज कर लूँगी अपने पूरे फेस पे। तो अब मेरा स्किन अच्छी तरीके से हाइड्रेट हो चुका है। अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ लिप बाम। मेकअप करने से पहले आप हमेशा लिप बाम अप्लाई कर लिया करो ताकि जब आप लिपस्टिक अप्लाई करोगे तो फिर आपका उस टाइम लिप्स ड्राई ना रहे। फिर मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। तो इसके बाद अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले प्राइमर अप्लाई करना है। तो अगर आपका बहुत ऑयली स्किन है तो फिर आप अपने टी जोन एरिया के पास अच्छी तरीके से प्राइमर वगैरह अप्लाई कर लिया करो। मैं अच्छी तरीके से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी एंड देन उसके बाद फिर मैं फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है बार्टी का ये फाउंडेशन। मैंने इसका रिव्यू भी डाला हुआ है, मेरे चैनल पे है, आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं इसको डॉट 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 करके अपने पूरे फेस पे इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। इस फाउंडेशन का बेस्ट पार्ट क्या है पता है, ये जो फाउंडेशन है ना ये फॉर ऑल स्किन टाइप है। अगर आपका स्किन कोई भी कैटेगरी में आता है, अगर आपका ऑयली स्किन है या फिर अगर आपका ड्राई स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन नॉर्मल, जो भी आपका स्किन टाइप हो ना, आप इस फाउंडेशन को आप ट्राई कर सकते हो। ये अच्छा वाला फाउंडेशन है, आपको फुल कवरेज भी देगा। एंड फिर मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ डियर। मेकअप में मेन पार्ट होता है आपका आईब्रो फिल किया हुआ अच्छी तरीके से होना चाहिए, तभी आपका पूरा फेस का मेकअप अच्छा दिखता है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी एंड थोड़ा सा मैं उसको कंसीलर के साथ मैं क्लीन करूँगी। मैं कभी भी मेकअप करती हूँ तो मैं कंसीलर के साथ थोड़ा आईब्रोज़ को क्लीन कर लेती हूँ, इससे थोड़ा सा इन्हेंस दिखता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। फिर मैं ब्यूटी ग्लेस का आईशैडो पैलेट में से मैंने लिया है, बहुत लाइट कलर है ये, ऑरेंजी टाइप में ये लाइट कलर था, उसको मैं अपने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपने पूरे आई पे मैं अप्लाई कर लूँगी। आज का मेकअप बहुत डिफरेंट होने वाला है, तो मैंने बस एक कलर लिया और अपने पूरे आईलिड पे मैंने उसको डिपॉजिट कर दिया। आप देख सकते हो मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से बस मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ एंड उसके बाद फिर मैं अपने फेस का कॉन्टोर करूँगी। आपको जहाँ जहाँ लगे आपको कॉन्टोर की ज़रूरत है आप कर सकते हो, अपने चिक पे, नोज पे या फिर आप चाहो तो अपने पूरे फेस का भी कॉन्टोर कर सकते हो। एंड उसके बाद फिर मैं ब्लश अप्लाई कर लूँगी। तो ब्लश जब भी आप अप्लाई करो तो फिर स्माइल करके आप अप्लाई किया करो, तब आपको आइडिया लग जाता है। फिर मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर भी आप ज़रूर अप्लाई किया करो, नहीं तो आपका मेकअप थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ आपने कुछ तो आपने मिस कर दिया है। तो आप हाइलाइटर ज़रूर अप्लाई कर लिया करो, इससे थोड़ा सा जब आप मेकअप करोगे तो आपका फेस पूरा हाइलाइट करेगा
तो इसीलिए आप हाइलाइटर भी ज़रूर अप्लाई कर लिया करो। तो मैं अपने ब्राउ बोन पे अच्छी तरीके से हेल्प से हाइलाइटर को मैंने अप्लाई कर लिया। अब मैं अपनी आइज़ के कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। अपने दोनों आइज़ के कॉर्नर पे अच्छी तरीके से मैं हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। इससे क्या होगा कि आपका फेस थोड़ा सा हाईलाइट करेगा तो वो काफ़ी अच्छा दिखता है। उसके बाद फिर मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, ब्लैक काजल है ये, एंड थोड़ा सा बोल्ड आज मैं आई लुक क्रिएट कर रही हूँ। यू नो बंगाली टाइप का उन लोगों का बहुत थोड़ा सा काजल आईलाइनर वगैरह उनका काफ़ी बोल्ड होता है, एंड आज मैं थोड़ा सा बंगाली टाइप का मेकअप लुक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेकअप लुक अच्छा लगे। तो मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया, अब मैं मस्करा अप्लाई कर रही हूँ। तो आई होप कि मेरा आज का मेकअप आपको पसंद आए एंड मैंने बोल्ड आई लुक क्रिएट किया है। बंगाली उन लोगों का मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आई नो कि मैं थोड़ा सा लेट शेयर कर रही हूं, बट कोई नहीं, मैंने बहुत सारे दुर्गा पूजा का मेकअप लुक मैंने मेरे चैनल पे है, मैंने डाला है। आप लोग चाहो तो आप चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद फिर ये मैट मी का ये लिपस्टिक है, एकदम रेड है, बहुत बहुत अच्छा वाला ये लिपस्टिक था, एकदम बहुत ब्यूटीफुल ये रेड था। तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल ये रेड है। तो इसको मैं अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। एंड आप लोग बताना ज़रूर कि आपको मेरा आज का मेकअप लुक कैसा लगा। एंड सॉरी कि ये मैंने ये वाला वीडियो थोड़ा सा लेट और डाला है, इसके लिए आई एम सो सॉरी गाइज। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। वैसे मैंने ना बहुत पहले सोचा था कि मैं ये वाला लुक क्रिएट करूँगी, बट मैंने ज्वेलरी वगैरह जो मैंने ऑर्डर कर रखा था ना, तो वो मुझे थोड़ा सा लेट से मिला, तो इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसके लिए सॉरी। अब मैंने लिपस्टिक अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया, अब मैं फॉल्सीज लगा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, ताकि जो लोग बिगनर्स होंगे उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। सो या गाइज, अब मेरा मेकअप हो चुका है कम्प्लीट। आप लोगों को ये मेकअप लुक कैसा लगा प्लीज़ बताना। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।